अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। खबर रीवा जिले से है, जहां आज रीवा में बिछिया थाना के सामने महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें रामनवमी उत्सव समिति के अध्यक्ष परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता एवं हिंदू परिषद के पदाधिकारी मनीष मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी उत्सव समिति द्वारा महामृत्युंजय किला से शाम 4 बजे 30 मार्च को श्री राम नवमी शोभा यात्रा का जुलूस निकाला जाएगा। वहीं इस शोभा यात्रा में इस बार श्री राम भगवान की 12 फीट की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं चल समारोह में लाइव ऑर्केस्ट्रा, डीजे, ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम दरबार भी इस यात्रा में शामिल रहेगा। यह यात्रा 30 मार्च को शाम 4 बजे जिला परिषद से निकाली जाएगी। शहर भ्रमण करते हुए रीवा के कोठी कंपाउंड में समापन किया जाएगा। 29 मार्च को शाम 4 बजे महामृत्युंजय किला से रामनवमी उत्सव समिति द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन भी किया गया है, जो रीवा शहर में भ्रमण कर कोठी कंपाउंड में समापन किया जाएगा। मूर्ति रख रहे हैं श्री राम जी की, और वो बड़ी ऐतिहासिक मूर्ति रहेगी, और उसके साथ एक पीछे चक्र रहेगा, जिससे कुछ उसमें वेव्स भी निकलेंगी, तो वो एक भव्यता का स्वरूप होगा। उसमें लंबाई कम से कम अगर हम उसको ट्रॉले में रखेंगे तो करीब 14-15 फीट के आसपास वो पहुँचेंगे। रीवा के ही कारीगर उसको तैयार कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। यात्रा का विशेष उद्देश्य क्या? यात्रा का विशेष उद्देश्य है हिंदुत्व, क्योंकि ये देखा गया है कि हर एक समाज संगठित है, लेकिन हर एक समाज का जो संगठन है, अगर उसको हम सर्वोपरि देखते हैं, हिंदुत्व है। हम बात हिंदुत्व की जरूर करते हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा सामाजिक अलग अलग क्षेत्रों में हो जाता है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम अपने हिंदू संस्कृति को जागें, उसको पहचाने, और उस शोभा यात्रा निकालने का यही है कि सब समरसता के तौर पे हम सबको एकत्रित करें। राम जी की मूर्ति है, और जब उसको सेट किया जाएगा तो करीब 16 फिट के आसपास वो आ जाएगी, बड़े ट्रॉले में निकलेगी। उसमें हमारा लाइव ऑर्केस्ट्रा भी रहेगा, और कई पात्र भी सज रहे हैं। राम दरबार का भी एक भव्यता रहेगी, लाइव डीजे रहेगा, और महिला विंग भी हमारी रहेंगी, जो कि साफे और अपने अपने उसमें पूरे ड्रेस कोड में रहेंगी, भगवा में रहेंगे। आगामी 29 मार्च बाइक रैली, जागरूकता रैली, और 30 मार्च भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और इसी की विजित रखते हुए कई सारी तैयारियाँ हुई हैं। जैसे हम लोग 17 या 30 फिट का एक गधा उसमें हम लोग निकालेंगे झांकी में, 15 फिट की राम जी की एक भव्य मूर्ति निकालेंगे, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, और समरसता को देखते हुए कई अदर जितने भी हमारे समाज हैं उनकी भी एक एक झांकियों का हम लोग प्रयास किया है कि इस बार वो भी सम्मिलित होंगी। और साथ में जो हमारी बाइक रैली 29 तारीख को निकलेगी, वो एक हम संदेश देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शोभा यात्रा में सम्मिलित होइए। हिंदू धर्म का त्यौहार है, हिंदुत्व के लिए हर एक मानव, हर एक व्यक्ति आगे आए, ऐसी अपील हम सबसे 29 तारीख को करेंगे। और 30 तारीख को तैयारी करते हुए हम लोगों ने रास्ते में जितने भी हमारे हैं वहाँ पे पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री हो गई, हमारे अंशुमान गुप्ता जी और हमारे कमलेश्वर वेदी ने प्रसार प्रसार समिति संभाली है, और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे प्रकाश गुप्ता जी ने, और हमारे सचिव मार्गदर्शक हमारे मनीष भैया ने, उनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं। और बस सबसे यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या बल में ध्यान दें, और इस बार शोभा यात्रा को हम ऐतिहासिक बनाएंगे, और करीब 40 जगह शोभा यात्रा का बहुत स्वागत भी होगा लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और व्यापारी मंडलों के द्वारा होगा। और हमारे व्यापारी मंडल और हमारे इस समिति के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, वो थोड़ी सी जानकारी हमको देंगे कि स्वागत कहाँ कहाँ होना है। तो मैं संजीव गुप्ता जी से बोलूँगा कि स्वागत की जानकारी भी प्रदान कर दी जाए। 30 मार्च को 4 बजे सभी शोभा यात्रा में शामिल हो, और गले में भगवा पट्टा जरूर रहे, यही आग्रह के साथ कि सभी एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकले और सब लोग उसमें सब परिवार अपेक्षित है, सब लोग पहुँचे। व्यवस्था की एक रूपरेखा बनाई, जैसे जानकी पार्क एसोसिएशन, सेल्फी प्लाजा में, गांधी कॉम्प्लेक्स, अपना बाजार, फोर्ट रोड, व्यापारी मंडल और हमारे श्री मौसम।
सिरमौर चौराहा व्यापारी मंडल, इसी तरह कई सामाजिक संगठनों से भी हमारी बात हुई है और इस बार जबरदस्त ऐतिहासिक स्वागत भी होगा और ऐतिहासिक यात्रा भी रहेगी। धन्यवाद। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।